भारत में अब भी नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर 31% और स्टेट हाईवेज पर 23% रोड एक्सीडेंट्स हर साल होते हैं, और इनमें भी ज्यादातर सड़क दुर्घटनाओं में लोगों के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं होता। आप सोचिए, जिसके पास लाइसेंस तक नहीं है वो ट्रैफिक के नियमों का क्या पालन करेगा। वर्ष 2021 में हुई सड़क दुर्घटनाओं में सिर्फ 70% ड्राइवर्स के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस था। यानी भारत में अनट्रेन्ड और अनाड़ी ड्राइवर्स की संख्या लाखों में है, और ये वो लोग हैं जो किसी आतंकवादी से कम खतरनाक नहीं, क्योंकि एक आतंकवादी और एक अनाड़ी ड्राइवर में फर्क सिर्फ इतना है कि आतंकवादी के हाथ में एक बंदूक होती है और अनाड़ी ड्राइवर के हाथ में गाड़ी का स्टीयरिंग होता है। एक बंदूक से भी जब आप गोली चलाएंगे तो हो सकता है आप 5-6-7 लोगों की हत्या कर देंगे, और एक गाड़ी को भी जब गलत तरीके से चलाएंगे तो उतने ही लोगों की हत्या होगी। आज इस बस ड्राइवर ने अकेले 6 लोगों की हत्या कर दी। ये एक राइफल से मारे गए, हिंसा से मारे गए लोगों के बराबर ही है, और इसे आप सड़क पर होने वाली हिंसा कह सकते हैं। दुख की बात यह है कि फिर भी हमारे देश के नेताओं को और लोगों को सांप्रदायिक हिंसा की तो बड़ी चिंता रहती है, जबकि सड़क पर दुर्घटनाओं के रूप में जो हिंसा हो रही है यह सांप्रदायिक हिंसा से 500 गुना ज्यादा खतरनाक है। और भारत में स्थिति भी तब है जब देश में हर 1000 लोगों पर सिर्फ 32 गाड़ियां हैं। हमारे देश में प्रति 1000 लोगों पर औसतन 32 गाड़ियां हैं, कितनी कम है सोचिए। अब देखिए, जब अमेरिका की तरह भारत में हर 1000 लोगों पर 850 से ज्यादा गाड़ियां हो जाएंगी, और अमेरिका की तरह भारत में हर साल 22 लाख सड़क दुर्घटनाएं होने लगेंगी, तो भारत में मरने वालों का, मौतों का कितना बड़ा विस्फोट होगा। अमेरिका में हर 1000 लोगों के पास 850 गाड़ियां हैं, और हमारे पास कितनी कम है आपने देख लिया। भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में ऐसे 51% लोग मारे जाते हैं जिनकी उम्र 35 साल या उससे भी कम होती है। सोचिए, जब कोई परिवार सड़क दुर्घटना में किसी अपने को खोता है तो उस परिवार पर इसका क्या असर पड़ता होगा। आपको यकीन नहीं होगा, बहुत सारे मामलों में तो पीड़ित परिवारों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, और बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, बुजुर्गों को बुढ़ापे में काम करना पड़ता है क्योंकि उनका कोई एक युवा सदस्य जो शायद कमाने वाला इकलौता सदस्य होता है वो सड़क दुर्घटना में मारा जाता है। बहुत बार इसलिए मारा जाता है क्योंकि सामने वाला जो ड्राइवर है वो गलत तरीके से गाड़ी चला रहा है, अनुशासन के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। बहुत बार इसलिए मारा जाता है क्योंकि वो खुद रॉन्ग साइड पर गाड़ी चला रहा है। बहुत बार इसलिए मारा जाता है क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना है। बहुत बार इसलिए मारा जाता है क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी है। ये बात आपको थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन सच्चाई है कि भारत के बहुत सारे लोग अब इतने बीमार हो चुके हैं कि वो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों से भी विचलित नहीं होते। मानसिक रूप से अब उन्हें इनकी आदत पड़ चुकी है, और हमारा सिस्टम भी कानून के सहारे बैठा रहता है, और कानून भी अपना काम कभी ठीक से कर नहीं पाता। कानून हमारे देश में कैसा काम करता है आप सब जानते हैं, अदालतें कैसा काम करती हैं आप सब जानते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के मामले में भारत में कन्विक्शन रेट सिर्फ 36% है, और इन मामलों में भी आरोपियों को बहुत आसानी से अगले ही दिन बेल मिल जाती है। अगर किसी रोड एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की जान चली जाए और यह साबित हो जाता है कि आरोपी ने घटना के दौरान लापरवाही की थी, तो उसे आईपीसी की धारा 304A के तहत केवल 2 साल की सजा होती है, और उसे अदालत से जमानत भी बड़ी आसानी से मिलती है। यानी हमारे कानून ही इन दुर्घटनाओं को गंभीर श्रेणी में नहीं रखते। ये बस वाला जो है वो पूरा जा रहा था, उसने ड्रिंक कर रखी थी, पूरा आगे से मोड़ा उसने, वो भी दूसरी लाइन से, ये स्पीड में थे तो इन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाए। आते आते पूरी उसका जो ड्राइवर का है फ्रंट का, और इसका स्कॉर्पियो पूरी उसमें, उसने बाद गाड़ी घूम गई। बस वाला चूंकि गाजीपुर गया था, वहाँ सीएनजी भर करके और कैसे रॉन्ग साइड चलने लगा, कहाँ से चढ़ा ये, क्योंकि जो सीएनजी पेट्रोल पंप है दिल्ली में है, वहाँ से आ रहा था, जिसके हम लोग छानबीन कर रहे हैं कैसे जा रहा है, लेकिन ये बहुत इसकी जबरदस्त लापरवाही है और उसकी गलती है, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ और इतने लोगों की जान गई।
हमको यही पता लगा था कि वहाँ पे इनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी कॉल गई थी, कॉल जाने पे हम यहाँ पे आकर देखा कि सिर्फ मेरे छोटे वाले चाचा और उनका लड़का बचा है और सबकी डेथ हो चुकी है। ये बस का ड्राइवर रॉन्ग साइड पूरी तेज रफ्तार में इस बस को लेकर के आ रहा था और अचानक से जब टीयूवी सामने आती है तो उसने स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि बस रॉन्ग साइड आ रही होगी और इस बस से आमने सामने टक्कर हो जाती है और इस टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। इस गाड़ी के हालात देखकर आप समझ जाएंगे कि किस भयानक तरीके से ये एक्सीडेंट का शिकार हुई है।